आदर्श मानते हो किसको? भगत सिंह को, अंबेडकर को, उनको आदर्श मानते हो, परशुराम को, राम को, राम के नाम पे मरे जा रहे हो, राणा सांगा को आदर्श मान रहे हो, और तुरंत वो जो खोल डाले हो अपने ऊपर कमजोरी का, वो तुरंत बाहर आ जाता है। ये देखो, मैंने इसीलिए कहा ना, आज की क्लास की शुरुआत मैंने यहीं से की कि ये मन जो है तुम्हारा, तुम्हें ध्यान क्यों करना है। कमजोर मन की बड़ी महत्वाकांक्षा कभी नहीं पूरी होगी। तुम किसी और चीज से परेशान थोड़ी हो। आज का ये जो युवा है बहुसंख्यक, वो किसी और चीज से परेशान थोड़ी है, उसका मन कमजोर है और सपना बड़ा है। तो कमजोर मन से बड़े सपने कभी पूरे ही नहीं हो सकते, संभावना ही नहीं। उस कमजोर मन को ताकतवर बनाने का नाम है ध्यान। उस कमजोर मन को ताकतवर बनाने का नाम है ध्यान। उसको तुम कर ही नहीं रहे हो। क्या पढ़ने, ये पढ़ने, वो पढ़ने, फलानी किताब पढ़ने, इनसे पढ़ने, उनसे पढ़ने। सर गरीब बच्चे कैसे पढ़े? जो बच्चे धन से गरीब हैं उनको पढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो मन से गरीब है, आज धन से ज्यादा मन की गरीबी है। जीवन सूत्रों पे चलता है। ये बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के कोई फायदा नहीं। तुम पेड़ को एक लोटा पानी चढ़ाते हो, वो तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है। ये धरती खत्म होगी सिर्फ पेड़ों के खत्म होने से। एयर प्यूरिफायर लगाए जा रहे हैं चारों तरफ, एयर प्यूरिफायर से काम चलेगा। इस धरती का जो लंग्स है वो पेड़ है। इसलिए हिंदुओं ने पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शंकर की स्थापना की, क्योंकि जहर वही पी सकते हैं और अमृत दे सकते हैं। तो पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और CO2 पीता रहता है। इसीलिए हिंदू समाज में पीपल के काटने को पाप माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर भगवान के लक्षण है। जहर को पीना, अमृत देना। मरा हुआ दिमाग के लोगों का कोई दुश्मन नहीं होता। तुम कभी कभी बड़ा गौर करोगे कि तुम दुनिया में किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर भी लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा बहुत सबके साथ होता है। जीसस क्राइस्ट ने किसी का क्या बिगाड़ा? उसको क्रूसीफाई कर दिया। तुम सोच के देखो इस दुनिया का नेचर, तुम बस सोच के देखो इस दुनिया का नेचर। जीसस क्राइस्ट क्या बिगाड़ा इन्होंने किसी का? सिर्फ बेचारे इतना तो कह रहे हैं कि मैं भगवान का बेटा हूं, इतने में तुमको प्रॉब्लम हो रही है। अरे कहने दो भैया। मंसूर बिन हलाज, ये बेचारा कह रहा था अनहलक। तुम इसको पागल भी तो मान सकते थे। आज पढ़ना मंसूर बिन हलाज के बारे में।